गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनाक्षी गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरा आज का टॉपिक लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट पार्ट सेकेंड, फ्लेजुलर एंड सिलरी लोकोमोशन। यह टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर को कवर किया गया। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में जाना कि लोकोमोशन का जो यूज़ है वो अपने एनिमी से बचने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, श्वसन के लिए, और विभिन्न कारण हो सकते हैं। हर एनिमल स्पीशीज में ये कारण डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लैजुलर एंड सिलरी लोकोमोशन। फर्स्ट हम बात करेंगे फ्लैजुलर लोकोमोशन की। फ्लैजुलर लोकोमोशन अमीबॉइड मूवमेंट से ज़्यादा एडवांस है और इस मूवमेंट में प्लानर वेव्स बनती हैं, ओल लाइक बीटिंग्स होती हैं और थ्री डायमेंशनल वेव क्रिएट होती हैं फ्लैजुलम के द्वारा। फ्लैजुलम के बेस से ये वेव स्टार्ट होती है और टिप तक जाती है, और जिस डायरेक्शन में ये वेव जाती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एनिमल आगे की तरफ बढ़ता है। अब हम जानते हैं कि जो फ्लैजुला है जिसके कारण फ्लैजुलम मूवमेंट होता है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है और इसके चारों तरफ माइक्रोट्यूबुल्स का स्ट्रक्चर होता है और बाहर की तरफ शीथ होती है, और इन फ्लैजुलम की वजह से एस मोशन क्रिएट होता है और ये जो फ्लैजुलम है बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। फ्लैजुला जो है वो मेस्टिगोफोरम्स प्रोटोजोअन जो हैं उन सब के अंदर प्रेजेंट होता है, और कुछ सार्कोडिना और स्पोरोजोआ के मेंबर्स के अंदर भी फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। अब इसका हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देखते हैं। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि साइटोप्लाज्म का बना हुआ सिलेंड्रिकल फिलामेंट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर सकते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है वाइब्रेट करने की, और इनके अंदर जो शीथ होती है वो कॉन्टेक्टाइल साइटोप्लाज्मिक शीथ होती है, और इस शीथ के अंदर माइक्रोट्यूबुल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये इसे कंपोज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इसका बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी के ऊपर से हुक जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर से फ्लैजुलम प्रेजेंट है। अब फ्लैजुलम जो है अंदर की तरफ माइक्रोट्यूबुल्स के साथ, इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लैजुलम है अंदर की तरफ इसमें माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट है। अब जो फ्लैजुलम है उसके हेयर लाइक प्रोजेक्शंस उसके स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हम इसको चार टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेस्टिको नीम। अब ये देखिए, फर्स्ट जो टाइप है स्ट्रैकोनिमैटिक। स्ट्रैकोनिमैटिक जो फ्लैजुलम है उसमें ब्रिसल ग्रैन्यू के साथ साथ जो मेस्टिगोनिम्स है वो क्या है, एक साइड में ही प्रेजेंट होते हैं लेकिन बेस से लेकर टिप तक प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पैंटोनिमैटिक। पैंटोनिमैटिक जो फ्लैजुलम है उसमें जो मेस्टिगोनिम्स हैं वो दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं और बेस को थोड़ा सा छोड़कर उसके बाद टिप तक प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पैंटोक्रोनिमैटिक। पैंटोक्रोनिमैटिक और पैंटोक्रोमैटिक में ये डिफरेंस है कि पैंटोक्रोनिमैटिक में जो टिप है वहाँ पर टर्मिनल जो फिलामेंट है वहाँ पर मेस्टोगेम एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है एक्रोनिमैटिक, इनके अंदर मेस्टोगेम बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। अब ये हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसे हम बता रहे थे आपको कि किस तरह से यहाँ पर माइक्रोट्यूबुल्स, आपको सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल, साइड में आउटर शीथ आपको और पेरिफेरल फाइबर्स दिखाई दे रही हैं। अब ये जो सेंट्रल ट्यूबुल्स है ये इसमें डबल होते हैं, डायनिन की जो आर्म्स होती हैं वो साइड में प्रेजेंट होती हैं, पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं उनमें डायनिन आर्म्स प्रेजेंट होती हैं और सेंट्रल ट्यूबुल में डबल होता है,
माइक्रोट्यूबुल का स्टैच। अब किस तरह से फ्लैजेलम अटैच होता है और उसके डायरेक्शन का मूवमेंट क्या है, उस बेस पे हम फ्लैजेलम को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है टैक्टिलम टाइप। ये टैक्टिलम टाइप का जो फ्लैजेलम है वो क्या है, एंटीरियर पार्ट से, बॉडी के एंटीरियर पार्ट से डेवलप होता है और डायरेक्शन इसकी फॉरवर्ड होती है। और इसका एग्जाम्पल है बोडो। बोडो में आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटीरियर साइड में फ्लैजेलम प्रेजेंट है। नेक्स्ट टाइप है पल्सेलम टाइप। पल्सेलम में पोस्टीरियर पार्ट पर फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा के अंदर, और उससे पोस्टीरियर साइड से वेव क्रिएट होती है और बॉडी आगे की तरफ मूव करती है। अब फ्लैजेला किस तरह से मूव करता है, उस प्रोसेस को हम डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी है, उनका मानना है कि मैकेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फ्लैजेलर लोकोमोशन। फर्स्ट है स्क्रू थ्योरी ऑफ बॉशली। उन्होंने ये कहा कि ये जो फ्लैजेला है उनके अंदर स्पाइरल मूवमेंट होता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक जॉइंट से एक फ्लैजेला जुड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ से मूवमेंट होता है, और कैसा है ये स्पाइरल मूवमेंट है, जैसे कि कोई स्क्रू को जब हम टाइट करते हैं स्पाइरल मूवमेंट करते हैं, वैसा मूवमेंट फ्लैजेला के अंदर होता है। नेक्स्ट थ्योरी है मैग्जनर थ्योरी। उन्होंने कहा कि ये जो फ्लैजेलम है वो सर्कुलर मूवमेंट करता है, लेकिन सर्कुलर मूवमेंट के साथ जैसे एक कोन का मूवमेंट होता है, ऊपर से चौड़ा नीचे से कम, और जब ये मूव करता है तो कोन शेप में वेव्स क्रिएट होती हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये हो गया। उन्होंने कहा स्क्रू की तरह, और मैर्सनर कह रहे हैं कि एक कोन की तरह वेव्स इसके अंदर क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट थ्योरी है उल्हेना की। उन्होंने कहा कि ये जो फ्लैजेलम का जो मूवमेंट है, उन्होंने कहा कि वो अपने लेटरल साइड में साइड वाइज लैश डालते हैं, जिससे कि इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक बनते हैं, और इस तरह से वो आगे की तरफ बढ़ता है। जब रिकवरी स्ट्रोक होता है तो वो बॉडी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। इफेक्टिव स्ट्रोक में, इफेक्टिव स्ट्रोक के ऑपोजिट डायरेक्शन में एनिमल आगे की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट थ्योरी है स्लाइडिंग ट्यूबुल मॉडल। इस मॉडल में ये कहा गया है कि जो माइक्रो ट्यूबुल्स हैं वो इस मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, और ये इतना एक कॉम्पैक्ट लिंकेज आपस में होता है, पेरिफेरल जो माइक्रो ट्यूबुल्स है उनके बीच में कॉम्पैक्ट लिंकेज होता है, और एक दूसरे के ऊपर ये क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो उनका जो साइज है उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। और ये जो डायनिन आर्म्स हैं वो क्या करते हैं, स्लाइडिंग फोर्स क्रिएट करते हैं, जिससे कि उनके बीच में क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं आपस में। अब यहाँ पर ये देखिए स्लाइडिंग मूवमेंट, मूवमेंट जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए ये डायनिन के कारण यहाँ पर क्या है, कॉम्पैक्ट क्रॉस लिंकेज बन गई और साइड में भी मूवमेंट हो गया, लेकिन इनका साइज में चेंज नहीं हुआ, साइड हो रहे हैं लेकिन श्रिंक नहीं हो रहा है, फ्लैजेलम का साइज सेम रह रहा है क्योंकि इसके अंदर क्रॉस लिंकेज बने हुए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो मूवमेंट है फ्लैजेलर मूवमेंट, इसके कारण बेस पर क्या होता है, एम्पलीट्यूड वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जिससे कि आगे की तरफ जाने के लिए एक एनर्जी क्रिएट होती है और एनिमल आगे की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलियरी लोकोमोशन। सीलिया और फ्लैजेला ऑलमोस्ट इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। सीलियरी मूवमेंट जो है उसमें क्या होता है कि सीलिया बीट करता है और आगे की तरफ एनिमल बढ़ता है। सीलिया हैं बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं,
और इसमें भी सेंट्रियोल बेस्ड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं और उसी तरह ही इसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सीलिया जो है वो प्रोटोजोआ की सीलिएटा क्लास को रिप्रेजेंट करता है। मोस्टली सारे एनिमल्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है और लार्वा सक्टोरिया जो है उसके अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया और फ्लैजिला के जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, फिर भी कुछ पॉइंट्स पर ये आपस में डिफर करते हैं, इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सीलिया रिलेटिवली फ्लैजिला से छोटा होता है और सीलिया का नंबर किसी भी एनिमल में ज्यादा होता है, फ्लैजिला कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला या तो सिंगल प्रेजेंट होता है या फिर पेयर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिलम जो है उसका जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसका एक्सोनीम बेस से टिप तक एक्सटेंडेड होता है, जबकि सीलिया के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स टिप से थोड़े पहले ही खत्म हो जाते हैं। सीलिया के अंदर काइनेटोडेस्मा प्रेजेंट होता है जो कि फ्लैजिला के अंदर एब्सेंट होता है। तो ये पांच छह डिफरेंसेस हैं, बाकी केमिकल कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन दोनों का सेम है। अब इनका जो मूवमेंट है उसमें भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंस अपने को देखने को मिलता है। जैसे कि अपने हमने फ्लैजिलर मूवमेंट देखा, उसमें इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक होते हैं, उसी तरीके से सीलिया के अंदर में इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक होते हैं, लेकिन जो सीलिया के अंदर जो है उसमें सिंक्रोनस मूवमेंट भी देखने को मिलता है ना। मेटाक्रोनस के साथ साथ सिंक्रोनस मूवमेंट भी देखा जा सकता है। अगर सीलिया लॉन्गिट्यूडनल रोज में प्रेजेंट होती हैं तो उनमें मेटाक्रोनस मूवमेंट होता है, और ट्रांसवर्स रो में अगर सीलिया प्रेजेंट है तो उनमें सिंक्रोनस मूवमेंट होता है। मेटाक्रोनस का मतलब है एक के बाद दूसरे का बीट होना, और सिंक्रोनस में छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। इस वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं फ्लैजिलम का जो ये मूवमेंट है वो सर्कुलर मूवमेंट, और सीलिया वन बाय वन इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक के साथ आगे मूव कर रहा है। सीलियरी मूवमेंट जब है तो उसमें एक जब एनिमल मूव करता है तो स्पाइरल पाथ बनता है, और इस स्पाइरल पाथ के बनने से बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, और जिस डायरेक्शन में वो वेव्स बन रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एनिमल मूव करता है। अब जब सीलिया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्रिएट करता है तो उसे मेटाक्रोनस कहते हैं, वेव्स कहते हैं, और जब ट्रांसवर्स रो काम करती है तो सिंक्रोनस वेव्स बनती हैं। ये आप देख सकते हैं मेटाक्रोनल वेव्स, इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक, किस तरह से धीरे धीरे सीलिया एक तरफ स्पीड के साथ जाता है और रिकवरी में धीरे धीरे वापस अपनी उसी पोजिशन में आता है। अब सीलिया के अंदर जो मेटाक्रोनस वेव्स क्रिएट होती हैं उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। टेलर का जो न्यूरॉइड फाइबर थ्योरी है उन्होंने कहा कि सीलिया के चारों तरफ इंफ्रासीलियरी सिस्टम प्रेजेंट है जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है, और इसी वजह से मेटाक्रोनिक और सिंक्रोनिक वेव्स बन रही हैं, क्योंकि सब सीलिया को एक साथ मूव करना है या सिस्टमैटिक मूव करना है। सीलिया का जो मूवमेंट है सबसे कोऑर्डिनेटेड लोकोमोशन में से काउंट होता है, क्योंकि आपको अपने के साथ साथ दूसरे सीलिया के साथ भी कोऑर्डिनेट करना होता है। तो उनका मानना था कि ये जो इंफ्रासीलियरी सिस्टम है वो इसको कोऑर्डिनेट करता है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल थ्योरी में ये प्रपोज किया गया था कि जिस तरह हमारे ह्यूमंस में
मसल मूवमेंट होता है और मसल या फिर न्यूरॉन्स पोलराइज्ड और डीपोलराइज होती हैं, उसी तरीके से इन्होंने कहा कि इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक में भी पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन सीलिया का हो रहा है। तो इन्होंने इलेक्ट्रोपोटेंशियल थ्योरी में ये कहा कि ये जो मूवमेंट है वो पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के कारण हो रहा है। तो आज हमने जाना कि किस तरह से सीलियरी एंड फ्लैजुलर मूवमेंट होता है। लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट पार्ट थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरापोडियल लोकोमोशन। थैंक यू।